चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त रो पड़े जब देश के एक प्रतिष्ठित नेता गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। दरअसल मोदी जी क्यों रोए इस बात की जानकारी हम आपको जरूर देंगे। दरअसल एक बार गुजरात के कुछ यात्री जो कि आतंकी हमले में फंस गए थे उसको लेकर के उस घटना का जिक्र करते वक्त गुलाम नबी आजाद की जहां वो तारीफ कर रहे थे ऐसे में उन्होंने याद दिलाया कि गुलाम नबी आजाद जी का जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है हमें इस चीज का बेहद कहीं ना कहीं दुख भी है क्योंकि वह इस बगीचे के अहम फूल हैं, उनकी वजह से इस बगीचे की सुंदरता है। आपको बता दें गुलाम नबी आजाद विपक्ष के प्रमुख नेता थे लेकिन जब आज उनकी विदाई का समय आया तो बहुत सारी आंखें नम थी और उन नम आंखों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुमार थे। उन्होंने कहा जिस तरीके से कश्मीर देश की सुंदरता को बढ़ाता है ठीक वैसे ही गुलाम नबी आजाद राज्यसभा की शोभा को बढ़ाते हैं और सरकार को समय समय पर गाइड करते रहते हैं। आपको बता दें गुलाम नबी आजाद की विदाई के वक्त रोते हुए नरेंद्र मोदी की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है। साथ ही आपको बता दें ये राजनीति है लेकिन जब कोई व्यक्तिगत आपसे दूर जाने की कोशिश करता है तो निश्चित ही ऐसे लम्हे देखने को मिलते हैं। खैर जो भी हो लगातार किसान आंदोलन के बीच में जिस तरीके से जो कुछ भी चल रहा था उसके बीच में गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होना और उनकी विदाई पर देश के प्रधानमंत्री का रोना अपने आप में जरा खास है। न्यूज रूम से देव की रिपोर्ट।